नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आर्य महिला पीजी कॉलेज से। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करूंगी वो है लीडरशिप। बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज़ लीडरशिप, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ चाइनीज प्रोवर्ब। इफ़ अ ब्लाइंड लीड्स ऑल हिज फॉलोवर विल फॉल इन टू अ डिच। लीडरशिप में सबसे पहले आवश्यक होते हैं दो बात, एक तो लीडर, दूसरा फॉलोअर। लीडर कौन होते हैं? लीडर मे बी डिफाइन एज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश विजन, सेट गोल्स, मोटिवेट पीपल एंड ऑब्टेन देयर कमिटमेंट टू अचीव द गोल एंड रियलाइज द विजन। और फॉलोअर जो उन्हें फॉलो करते हैं और अपने गोल की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। लीडरशिप इज अ आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय और ग्रुप टू अटेन देयर गोल। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर to influence the behavior or the subordinate or the employee to persuade them and follow the particular course of action. Leadership ke liye sabse important hota hai leadership skill. Leadership skill mein teen cheeze aati hain, technical skill, human skill and conceptual skill. Technical skill ka ye matlab hota hai technicality of that particular thing, the knowledge and the competent proficiency in a specific work of activity. Human skill, अल्टीमेटली लीडर को ह्यूमंस के साथ ही डील करना होता है। तो ह्यूमन स्किल इज वन दैट इनेबल्स यू टू डेवलप द एबिलिटी टू वर्क विद पीपल। दीज एबिलिटीज आर द वन दैट वी रिकॉग्नाइज एज द वन दैट हेल्प अस टू गेट अलॉन्ग विद द पीपल टू कम्युनिकेट एंड वर्क विथ योर टीम, क्रू एंड और एसोसिएट्स। Conceptual skill is one that enable us to understand better, decide the action and measure that has to be taken in a particular field of work. सबसे पहले लीडरशिप को तीन भागों में बांटा गया था भूतपूर्व। टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड लेजर्स फेयर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप है जिसमें वो सेंट्रलाइज होता है बॉस के पास, जिसमें कि लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में सीनियर्स के पास ही सारा राइट होता है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का, सारी अथॉरिटी का, सबॉर्डिनेट से बिना पूछे, सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट भी नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में सबॉर्डिनेट्स को पूरा राइट होता है डिसीजन मेकिंग का, दे टेक द मेजर स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग और दोनों साथ में मिलकर के लीडरशिप आगे बढ़ता है। लेजर्स फेयर लीडरशिप में एम्प्लॉयज़ जो हैं सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और लीडरशिप का मिनिमल या नो अमाउंट ऑफ इंटरफेरेंस होता है, बट सर्वे के अकॉर्डिंग थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप में बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। अब हम आते हैं लीडरशिप थ्योरीज पे। देयर आर सेवरल थ्योरीज इन लीडरशिप। जो मेन हम बात करेंगे, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरी। सबसे पहले आता है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट क्या होता है? ट्रेट हमारे वो शील गुण होते हैं जो हर व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, जो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आपका वो शील गुण आपके व्यक्तित्व से रिफ्लेक्ट होता ही है, जो आपको दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाता है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेट थ्योरी, लीडर पोजेस सम पर्सनालिटी ट्रेट दैट नॉन लीडर्स डू नॉट पोजेस एट ऑल। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। मेन एम्फेसिस वॉज गिवन टू द पर्सनैलिटी। ट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लीडर होता है वो लंबा, चौड़ा, बलिष्ठ, बलवान, बुद्धिमान, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, ये सब क्वालिटी उनमें विद्यमान थी। पर धीरे धीरे स्टडीज करके ये पता लगा कि ये सब शील गुण के आधार पे जो है लीडरशिप को हम नहीं आंक सकते हैं। तो इसके बाद जो है दूसरी थ्योरी आती है, बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो कि डील करती है आपके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के। The behavioral theorist concentrated on the unique behavioral aspect found in the leader that enable them to attain effective leadership. Main do jagah study chal rahi thi, America, Ohio State studies and University of Michigan studies. Bahut sare vibhin dimensions ayam behavior ke, personality ke, behavior ke, personality ke wahan pe ubhare gaye, jisme mukhyatah do dimensions sabse zyada aaye. Pehla, ओहायो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी ने जो बताया, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन।
इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में आए वो लीडर आते हैं जिन्हें काम सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, वो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, काम की डेडलाइन से पहले काम को पूरा करना चाहते हैं, एनी हाउ अपने डेडलाइन को मीटअप करते हैं और उन्हें जो है एम्प्लॉय से खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए काम सबसे पहले है, वो काम को सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं, काम के लिए ही वो जाने जाते हैं और दूसरों से काम करवाना उन्हें बेहद सही तरीके से आता है। दूसरी ओर कंसिडरेशन लीडरशिप जो होते हैं, कंसिडरेट पर्सन वो होते हैं जो ह्यूमन को एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी फीलिंग्स, उनके सुख दुख सब चीज़ को जो है समझते हुए जो है आपस में समझौते के साथ जो है लीड करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जहाँ जो स्टडी हो रही थी वहाँ पे ही ऐसे दो लीडरशिप क्वालिटी जो है इमर्ज होकर के आई, एक था टास्क ओरिएंटेड, दूसरा था पर्सन ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड वो होते हैं जो टास्क से रिलेटेड जो है अपना लीडरशिप रखते हैं, मतलब उन्हें अपने लीडरशिप में काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, काम को स्टार्ट कैसे करना है, काम को फिनिश कैसे करना है, कर्म ही उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रादर देन द एम्प्लॉयज। दूसरी ओर रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो लीडर होते हैं उनके लिए सबसे मुख्य काम होता है रिलेशन विद द फॉलोअर्स और द एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय की सहजता से बात करते हैं, एम्प्लॉय को समझते हैं, एम्प्लॉय की नीड, एम्प्लॉय की इंटरेस्ट, एम्प्लॉय के भी डिसीजंस को जो है सुनते हैं और उसके बाद जो है अपनी लीडरशिप से गोल तक पहुंचते हैं। तो करीबन अगर ये देखा जाए तो ओहायो स्टेट के जो कंसिडरेशन है वो मिशिगन स्टेट के रिलेशनशिप लीडर जैसे हैं और ओहायो स्टेट के जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हैं वो मिशिगन यूनिवर्सिटी के टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप जैसे हैं। तो पर इस थ्योरी से ये पता लग गया कि दो तरह का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप में, एक तो पर्सन से रिलेटेड, दूसरा टास्क रिलेटेड। बट इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम थी कि वो ये नहीं बता सकी कि कौन से टाइप की लीडरशिप किस सिचुएशन में इफेक्टिव होगी। फिर इसके बाद आता है हमारा कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी जैसा कि नाम से ही आपको पता लगता है, पल पल बदलने वाला। कंटीजेंसी डील्स विद द लीडरशिप इन डिफरेंट सिचुएशन। भिन्न भिन्न सिचुएशन होगी तो भिन्न भिन्न सिचुएशन में कौन सा लीडर इफेक्टिव होगा। कभी फेवरेबल कंडीशन हो सकती है, कभी अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है, कभी मीडियम कंडीशन हो सकती है। तो कौन सा व्यक्तित्व वाला नेता किस समय किस सिचुएशन में इफेक्टिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंटीजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप, अ सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन। एवरी लीडर इज carefully, every leader is to carefully analyze the situation before adopting a style that best suits the requirement of the situation. Contingency theories में तीन main theories हम cover करते हैं, Fiddler contingency model, path goal theory and Henry and Blanchard की situational theory. Fiddler contingency theory जो Fiddler ने दी थी 1967 में, उन्होंने ये बताया था different situation में जो है कौन सी leadership style किस सिचुएशन में जो है सबसे ज़्यादा असरदार होगी। लीडरशिप स्टाइल फिडलर ने वही दो लिए, टास्क ओरिएंटेड लीडर एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर। टास्क ओरिएंटेड लीडर जिन्हें टास्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जिनके लिए, और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो ह्यूमन ओरिएंटेड होते हैं, जो अपने एम्प्लॉय ओरिएंटेड थे। एंड उन्होंने जो है सिचुएशन की फेवरेबलनेस के लिए तीन फैक्टर डिटरमाइन किए थे। लीडर मेंबर रिलेशनशिप, इसमें आता है कि लीडर कितना एक्सेप्टेबल है अपने फॉलोअर्स में, फॉलोअर्स उसे कितना सम्मान देते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं और कितना उस पर ट्रस्ट रखते हैं। जितना ज़्यादा ट्रस्ट, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा सम्मान, उतना ही अच्छा लीडर मेंबर रिलेशनशिप। टास्क स्ट्रक्चर का मतलब कि कितने एक्सटेंट तक आपका जॉब असाइनमेंट या टास्क असाइनमेंट प्रोसीजराइज्ड है, कितना क्लियर आपके लीडर को आपके जॉब के असाइनमेंट या टास्क के बारे में संरचना उसकी बहुत क्लियर है। पोजीशन पावर ऑफ द लीडर, द एबिलिटी टू कंट्रोल द सबॉर्डिनेट थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जब फॉलोअर्स को ये पता होता है कि हमारे लीडर्स के पास पावर है हमें हायर करने की, हमें फायर करने की, हमें प्रमोशन करने की, तब जो है पावर पोजीशन ऑफ लीडर बहुत स्ट्रांग होती है। फिडलर ने यह सजेस्ट किया कि बहुत ईजी है इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप को जज, जब कंडीशन फेवरेबल है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड सही रहेगा या टास्क ओरिएंटेड सही रहेगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल है तब कौन सा लीडरशिप इफेक्टिव। फिडलर कंटीजेंसी थ्योरी में ये जानने के लिए कि कौन सा लीडर टास्क ओरिएंटेड है और कौन सा लीडर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, फिडलर ने LPC स्केल का निर्माण किया था,
जिसका मतलब है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, जिसमें वो पर्सन जो हाई स्कोर करते हैं एलपीसी पे वो होते हैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और जो लो स्कोर करते हैं वो होते हैं टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। तो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप में ये दो स्टाइल जो है फिडलर कंटीजेंसी मॉडल ने बताया था, उसको उन्होंने जो है एक फिडलर कंटीजेंसी मॉडल से बताया है। उसमें उन्होंने ग्राफ द्वारा ये समझाया है कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप अगर बहुत अच्छा है, टास्क स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, लीडर पोजीशन पावर भी बहुत अच्छी है, फेवरेबल कंडीशन है, तब टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप इफेक्टिव हो। जब लीडर मेंबर रिलेशनशिप मॉडरेट है, टास्क स्ट्रक्चर भी बहुत एंड लीडर पोजीशन पावर भी बहुत मॉडरेट है, तब रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप बहुत अच्छी रहेगी। वहीं दूसरी ओर अनफेवरेबल जब कंडीशन होती है, जहां की लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड लीडर पावर पोजीशन बहुत ही वीक होती है, पुअर होती है, बहुत ही लो होती है, तब भी जो है टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप जो है काफी इफेक्टिव साबित। ग्राफ दिखाया है, रेड लाइन शो कर रहा है आपके टास्क ओरिएंटेड को, ब्लू लाइन आपका शो कर रहा है रिलेशनशिप ओरिएंटेड, जिसमें इन्होंने 8 डायमेंशंस में इसको बांटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2 and 3 कंडीशन में टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप बहुत इफेक्टिव है, एंड 7 and 8 कंडीशन में टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप बहुत इफेक्टिव है। वहीं 4, 5 and 6 में रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप काफी इफेक्टिव। नेक्स्ट आती है आपकी पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी को डेवलप करने वाले हैं रॉबर्ट, उन्होंने ये बताया था कि लीडर को ही जो है बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए अपने फॉलोअर्स को टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लीडर डिफाइन द इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स एंड हेल्प देम टू अचीव देम। लीडर को ही सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, रिवार्ड करना चाहिए जब जब नीडेड। हाउस ने, रॉबर्ट हाउस ने 4 तरह के लीडरशिप मॉडल को पाथ गोल थ्योरी में समझाया है। पहला डायरेक्टिव लीडरशिप, जिसमें लीडरशिप को डायरेक्ट करना होता है अपने फॉलोअर को कि आप कैसे कैसे किन किन रास्तों पर जा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सपोर्टिव लीडरशिप दूसरी ओर, जहाँ पे लीडर को सपोर्ट करना होता है अपने फॉलोअर्स को, जहाँ पे कभी भी उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, कभी कभी लीडर को खुद फॉलोअर्स के साथ आकर के पार्टिसिपेट करना होता है गोल के प्राप्ति के लिए। फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड होती है, लीडर में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को अचीवमेंट ओरिएंट। सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी, ये हर्सी एंड ब्लैंचार्ड द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है, 2 मैट्रिक्स के बारे में बताया है, फॉलोअर्स की मैच्योरिटी एंड फॉलोअर्स की, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 स्टाइल की यहाँ वर्णन किया है। टेलिंग स्टाइल, जब एम्प्लॉय काफ़ी नया होता है और वो उसको जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं, क्लोजली सुपरवाइज करते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप स्टाइल काफ़ी हाई होता है ऑन टास्क ओरिएंटेड एंड काफ़ी लो होता है रिलेशनशिप स्टाइल। सेलिंग स्टाइल में आप एक्सप्लेन करते हैं टास्क को, सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप काफ़ी जो है हाई होता है टास्क में और काफ़ी लो होता है रिलेशनशिप। पार्टिसिपेटिव स्टाइल, ये एम्फसाइज़ या शेयर आइडिया शेयर करने के लिए, पार्टिसिपेटिव डिसीजन लेने में, टास्क के डायरेक्शन में, और यहाँ पे लो टास्क होता है, हाई रिलेशनशिप स्टाइल होता है। लास्ट आता है आपका डेलीगेटिंग स्टाइल। अब यहाँ पे जो है फॉलोअर्स को पूरी पूरी आज़ादी होती है कि वो अपना टास्क का डिसीजन खुद ले सके, यहाँ पे लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप्स। इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। टेलिंग मतलब डायरेक्टिंग करना, सेलिंग परसुएट करना, पार्टिसिपेटिंग मतलब एनकरेज करना, एंड डेलीगेटिंग सिर्फ ऑब्जर्व एंड मॉनिटर। राइट हैंड साइड लोअर बॉक्स में हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप, उसके ऊपर हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, देन हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क, देन लो रिलेशनशिप एंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इशू और लीडरशिप। कंटेम्प्रेरी इशू का मतलब है नया, करंट, बहुत तत्कालीन जो नए नए इश्यूज आए हैं लीडरशिप में, उसके बारे में हम डील करेंगे। इसमें हम 3 चीज़ें लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड करिश्मेटिक लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इससे मतलब होता है वो लीडर जो इंस्पायर करता है अपने फॉलोअर्स को टू ट्रांजेंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड हु आर केपेबल ऑफ हैविंग अ प्रोफाउंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट ऑन फॉलोअर्स। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप,
Leader who guide or motivate their followers in the direction of established goal by clarifying role and task. The both kind of leadership are complementary to each other. The best example of these two leadership is J.R.D. Tata, Ratan Tata, जो अपने followers के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ते हैं जिससे कि follow तो करते ही हैं, साथ साथ उनके vision और उनके mission से इतने प्रभावित होते हैं कि खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझ के उस रास्ते पे अग्रसर होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका करिश्माटिक. की करिश्माटिक वर्ड जो है आया है ग्रीक वर्ड से. करिश्मा का मतलब होता है गिफ्ट. इसका मतलब होता है एक ऐसे पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी जो इन्फ्लुएंस करती है सब हर किसी को, जो उसको सबसे अलग बनाता है ड्यू टू सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हीरोइक अपीयरेंस एट्रीब्यूट जो कि फॉलोअर्स उनमें ऑब्जर्व करते हैं और उनको वो पावर देते हैं कि वो हमारे लीडर बने. एंड ऐसे लीडर्स में बहुत हाई क्वालिटी ऑफ विजन होता है. ये बहुत ज़्यादा विलिंग करते हैं पर्सनल रिस्क लेने के लिए. गोल के अटेनमेंट के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं. काफ़ी सेंसिटिव होते हैं एम्प्लॉयज की इशू को लेकर के. काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं. काफ़ी पैशनेट होते हैं. ये इनका पैशन एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जनसंचार में. बहुत डिटरमाइंड होते हैं. काफ़ी स्ट्रांगली कन्विक्टेड होते हैं. इनके अंदर की जो उत्साह होती है, जो इंथुजियाज्म होती है, वो फॉलोअर्स को इतना प्रभावित करती है कि वो फॉलोअर्स इमोशनली लैडन होकर के अपने गोल की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं.